नमस्कार, ओम शांति। मैं हूं श्रेया और आप देख रहे हैं पीस न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। फाइनेंस प्रोफेशनल्स के लिए गुरुग्राम के ओम शांति रिट्रीट सेंटर पर आयोजित हुई 2 दिवसीय मेडिटेशन रिट्रीट। रिकनेक्ट, रिचार्ज एंड रिजुविनेट रही थीम। अमृतसर में ब्रह्म कुमारीज ने पुलिस अधिकारियों को सोल पावर बढ़ाने के लिए दिए सुझाव। संस्था के सुरक्षा सेवा प्रभाग और स्थानीय शाखा का संयुक्त आयोजन। आबू रोड स्थित शिवमणि होम में मुंबई के फेमस डॉक्टर R.S. शिवनानी का आगमन। मधुमेह और हाई ब्लड प्रेशर से जुड़े जरूरी तथ्यों की दी जानकारी। मलेशिया में बीके मीरा की भारत के हाई कमिश्नर और डिप्टी हाई कमिश्नर से हुई मुलाकात। मलेशिया में ब्रह्म कुमारीज की गतिविधियों से कराया अवगत। अब खबरें विस्तार से। गुरुग्राम के ओम शांति रिट्रीट सेंटर पर फाइनेंस प्रोफेशनल्स के लिए 2 दिवसीय मेडिटेशन रिट्रीट का आयोजन हुआ, जिसका शुभारंभ भारत में युगांडा के डिप्टी हाई कमिश्नर मोहम्मद केजाला, सीए रोहित वासवानी, पूर्व IRS ऑफिसर राजेश्वर सिंघल, टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड के CMD संजीव कुमार, EPFO के कमिश्नर किशन प्रताप, ORC के निर्देशिका बी के आशा की मौजूदगी में सम्पन्न हुआ। रिकनेक्ट, रिचार्ज एंड रिजुविनेट थीम पर आयोजित इस 2 दिवसीय रिट्रीट के शुभारंभ सत्र में सबसे पहले मोहम्मद केजाला ने अपने ग्रीटिंग्स दिए। उसके पश्चात बी के आशा ने सभी को इस रिट्रीट का महत्व बताते हुए इसका पूरा लाभ लेने की बात कही। What causes problems to us? We don't listen to the inner voice. All the problems of the world is because we do not listen to the inner voice. Whatever the mistake you make, before you set out to make it, God has put it in us that there is something inside which will tell you the correct thing. But in most cases, we ignore the inner voice. This retreat will inspire you to pause a bit, stop for a while, and look at your life graph. Great luck to attend 1 week program at Mount Abu, and the experience which was there, it has been very unique. Even after coming in this campus, as soon as you enter in the campus, the kind of, you know, peaceness and the calmness you feel, it is unique. सभी वॉकिंग प्रोफेशनल्स ने ORC के आध्यात्मिक वातावरण में स्वयं को रिचार्ज महसूस किया और मेडिटेशन को अपनी दिनचर्या में शामिल करने की इच्छा जताई। ब्रह्म कुमारी इज विद द कोर ऑफ माय हार्ट फॉर हैविंग बीन ऑन दिस रिवॉल्यूशन ऑफ चेंजिंग द इनर वर्ल्ड ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल थ्रू आउट द वर्ल्ड। अमृतसर में पुलिस अधिकारियों के लिए ब्रह्म कुमारी संस्था के सुरक्षा सेवा प्रभाग और स्थानीय सेवा केंद्र द्वारा स्किल डेवलपमेंट ऑफ माइंड बॉडी एंड सोल पावर इन मेडिटेशन विषय पर वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर, SSP, SP, DSP, HSO समेत कई पुलिस कर्मी शामिल हुए। दिल्ली से आई वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके कमला ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि जैसे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए पौष्टिक आहार और एक्सरसाइज जरूरी है, उसी प्रकार मानसिक स्वास्थ्य के लिए सकारात्मक विचार और मेडिटेशन जरूरी है, और राजयोग मेडिटेशन ही वो विधि है जिसके अभ्यास से हम अपने मन को एकदम स्वस्थ बना सकते हैं। जो भी थॉट्स आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं, रोके नहीं, लेकिन उसकी गति को कम करें। ऐसे ही अमृतसर मिलिट्री कैंटोनमेंट, BASF ऑफिस, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी और ग्लोबल कॉलेज में वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें सिक्योरिटी विंग के सदस्य बीके गिरीश, बीके कमला, कमांडर शिव सिंह, बीके दिनेश, बीके जयश्री और कर्नल गुलाटी ने सभी को राजयोग मेडिटेशन द्वारा तनाव मुक्त खुशनुमा जीवन बनाने के कई कारगर उपाय बताए।
मिठास अगर जुबान में हो तो इंसान को बहुत फायदा पहुंचाती है, लेकिन जब मिठास खून में उतर जाए तो बहुत तकलीफ देती है। हमारा मतलब मधुमेह से है, जिसकी गिरफ्त में आज हर चौथा व्यक्ति आता जा रहा है। हमारी ये खबर मधुमेह से ही जुड़ी है। दरअसल आबू रोड स्थित शिवमणि होम में मुंबई के फेमस डॉक्टर आर एस शिवनानी के पहुँचने पर स्वास्थ्य संबंधी सत्र का आयोजन हुआ, जिसमें शिवमणि निवासियों को डॉक्टर शिवनानी ने मधुमेह से जुड़े कई तथ्यों को विस्तार से समझाया। लिवर सेकंड टू सेकंड ग्लूकोज बनाते रहता है। एवरी मिनट द लिवर इज मेकिंग ग्लूकोज। तो अगर आपको रात को खाना खाने के बाद में शुगर जितनी भी है, अगर आपकी शुगर फास्टिंग ज्यादा आती है, तो आप रिपोर्ट को गलत न समझे। शुगर बहुत ही साधारण टेस्ट है, उसमें आमतौर पर गलतियाँ नहीं होती है। लेबोरेटरी को कह देना कि ये रिपोर्ट गलत है, ऐसे जरूरी नहीं होता है। मधुमेह से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देने के साथ साथ उन्होंने हाई ब्लड प्रेशर के कारण और निवारण भी बताए। बीपी लोअर द बेटर। तो अगर आप ब्लड प्रेशर की दवा चालू करते हैं और अगर आपका ब्लड प्रेशर 120/80 हो जाता है, भले ही आपको थोड़ी कमजोरी महसूस होती है, आपको क्योंकि हाई बीपी की आदत थी, बीपी 120/80 पे अगर आप रह सकते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उससे आपका ऑर्गन प्रोटेक्शन ज़्यादा है। ऑर्गन मतलब किडनी, हार्ट, ब्रेन और नीचे की नसें, उसको ऑर्गन प्रोटेक्शन कहते हैं। तो टारगेट ऑर्गन प्रोटेक्शन लोअर ब्लड प्रेशर पे ज़्यादा है। नशे की लत मानसिक कमजोरी के कारण लग जाती है, लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति और मेडिटेशन के सहारे व्यक्ति इस लत से छुटकारा पा सकता है। लोगों में इसी जागृति को फैलाने के लिए उड़ीसा के राउरकेला में ब्रह्म कुमारीज द्वारा मेरा भारत व्यसन मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। देखो मैं आपको इसलिए ये जगाने आया हूँ, हम बड़े नहीं कर सकते जो आप कर सकते हो। मैं यहाँ पर आपको यही बोलने आया हूँ, डू गुड एडिक्शंस, अदरवाइज यू विल बी ट्रैप्ड। अपने आप को शक्तिशाली बना के इन बुरी चीजों से बचो। शाबाश, आगे बढ़ो, आज तुम्हारा दिन है। राउरकेला के कोयल नगर सेवा केंद्र द्वारा इस अभियान के तहत अनेक स्कूलों, कॉलेजों और महाविद्यालयों में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें बीके राजीव ने प्रोजेक्टर शो के माध्यम से 2000 से भी अधिक बच्चों को नशे के दुष्प्रभावों की जानकारी दी। मैंने देखा जब कोई दुखी होता है तो शराब पीने चले जाता है। बच्चों में नशे के नुकसान के प्रति जागृति फैलाने के साथ ही बीके राजीव ने राजयोग मेडिटेशन की भी जानकारी दी और इसका अभ्यास कराया, जिसमें बच्चों ने बहुत दिलचस्पी लेते हुए अच्छे से अभ्यास किया। प्योर एनर्जी भगवान की सबसे सुंदर रचना। अब कुछ खबरें एक नजर में। मध्य प्रदेश के शाजापुर में जिला प्रशासन द्वारा संचालित वृद्ध जन सेवा निकेतन में लगा 7 दिवसीय राजयोग शिविर। ब्रह्म कुमारीज ने लोगों को दी राजयोग मेडिटेशन की जानकारी। बीके पूनम और बीके पुष्पा ने विस्तार से बताया राजयोग के लाभ। वृद्ध जन सेवा निकेतन के व्यवस्थापक हेमंत दुबे भी रहे मौजूद। प्राकृतिक चिकित्सा दिवस पर इंदौर के प्रेम नगर सेवा केंद्र पर संगोष्ठी का हुआ आयोजन। डॉक्टर अंतिम जैन और ब्रजेश गुप्ता ने स्वस्थ रहने के दिए टिप्स। संतुलित आहार और व्यवस्थित दिनचर्या को बताया फिट रहने की कुंजी। सेवा केंद्र प्रभारी बीके शशि ने अतिथियों का किया धन्यवाद। अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत की। मलेशिया में ब्रह्म कुमारी संस्था की निदेशिका बीके मीरा ने मलेशिया में भारत के हाई कमिश्नर बीएन रेड्डी और डिप्टी हाई कमिश्नर अर्चना नायर से मुलाकात की और ब्रह्म कुमारी द्वारा मलेशिया में हो रही एक्टिविटीज की जानकारी भी दी। इसके बाद बांग्लादेश के हाई कमिश्नर गोलम सरवर और उनकी वाइफ तस्लीमा सरवर से भी मुलाकात की। ब्रह्म कुमारी यूके द्वारा आयोजित ऑनलाइन कार्यक्रमों की सीरीज गोल्डन हार्ट्स के तहत हाल ही में साउथ वेल्स से फ्रॉम सीड टू फ्रूट अ स्पिरिचुअल जर्नी विषय पर कार्यक्रम आयोजित हुआ।
जिसमें सिस्टर वियना ने उन लोगों के अनुभव सुने जिनके जीवन में बीके लाइफस्टाइल द्वारा पॉजिटिव चेंज आया है। The seed and the fruit can be applied to spirituality. And in fact, in Raj Yoga, we understand that the soul is part of nature. This practice of Raj Yoga has really taught me to be very clear on where my thoughts are coming from. And what I understand is when my thoughts are aligned with my spiritual truth. आज के बुलेटिन में बस इतना ही। और नई खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।